भगवान बुद्ध एक दिन सुबह सुबह निकले थे, अपने झोपड़ी से निकले, और झोपड़ी से निकलते ही एक ऐसा मान लो पुष्प लिए थे। इस पुष्प को इस तरह से देखने लगे, है ना जी, तुम लोग भी था उसमें। भगवान बुद्ध के 10,000 शिष्य ही थे, 10,000 आसपास के लोग सुनने वाले भी हो गए होंगे, 20,000 की भीड़ तो आ गई थी। भगवान बुद्ध इस पुष्प को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। एक मिनट, दो मिनट, 10 मिनट, मिनट घंटा में बदल गया। अब लोगों में हलचल मच गई। बुद्ध नज़र भी नहीं ऊपर उठा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। शिष्य सोचे कि कोई रास्ते में कोई दे दिया होगा, कोई मिल गया होगा, संतोष शर्मा दे दिया होगा, कोई दे दिया होगा सुनील जी, वह बुद्ध ले लिया है। फूल नहीं देखा होगा, ऐसा गुलाब दिल्ली से लाया है, यह जरूर इस गुलाब को देखने में दिल्ली नोगा देख रहा है। फिर पीछे से हल्ला करता है, कह रहे यार गुलाब तो रखो, हम लोगों को देखो। लेकिन बुद्ध जो है इस देखे जा रहा है। 2 घंटा हो गया खड़े खड़े, न बैठा न किसी को बैठने के लिए कहा, हद हो गई अब तो, हल्ला तो मचेगी 20,000 का। लेकिन बुद्ध देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। 2 घंटा जब हो गया, कोई नहीं बोला, तो देख रहे हैं कि उस बीच से एक वृद्ध ब्राह्मण बाहर निकला, उसका नाम था महाकश्यप, और जोर जोर से हंसने लगा। तब बुद्ध की नजर इस फूल से उठकर उस पर गया और कहा, महाकश्यप इधर आ जाओ। महाकश्यप नजदीक गया, कहा कि यह लो मेरे ध्यान की उत्तराधिकार, लो तुम मेरे ध्यान का, तुम मेरे इस मेडिटेशन का, तुम मेरे इस समाधि का उत्तराधिकारी हुआ महाकश्यप, यह लो। और कहकर बुद्ध पुनः बस लौटा और झोपड़ी में बंद हो गया। लोगों में हंगामा हुआ, कहीं इस विद्वान को पंडित समझ करके यह दे दिया, क्या जानता है यह ध्यान के बारे में, हम लोग नहीं जानते हैं, 20-20 साल से हैं, अहंकार रहता है ना 20-20 साल से रहने का। महाकश्यप फिर जोर से हंसा, कहा क्यों हंसते हो, कहा कि मैं पहले तो यह हंसा कि बुद्ध 20 साल से कह रहे हैं परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सब में है, तुम अपनी आंखें उठाकर देखो परमात्मा ही दिखाई पड़ता है, परमात्मा के सिवा तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है, मैं वेदज्ञ हूँ, चारों वेदों का विद्वान हूँ, 6, 7, 18 वेद पुराणों को भाई मैं विद्वान हूँ, जिंदगी भर तो वेद ही केवल झेला, कर्मकांड यज्ञ भी किया, बुद्ध के नज़दीक पहुँच करके मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं वेद भी कहता है न एति, उसे वचनों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, शब्दों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसी विज्ञ पुरुष के नज़दीक चले जाओ, किसी विज्ञ पुरुष के नज़दीक जाकर मौन होने की कला सीख लो, मौन बैठ जाओ, और उस मौनता से जो निकलेगा वह परमात्मा के तत्व को तू पहचान जाएगा। लेकिन दुखद घटना है कि भगवान बुद्ध के केवल तुम वाणी को आज तक पहचाना, मौनता की भाषा को नहीं पहचाना, इसलिए दूसरा शब्द दूसरा कारण है हंसने का। भगवान बुद्ध जब आ रहे थे तो इन्होंने पुष्प देखे, तुम पुष्प देख रहे हो, वह पुष्प नहीं देख रहे हैं, इसमें उस परमात्मा को मुस्कुराते हुए छवि देख रहे हैं, वह परमपिता परमात्मा निर्गुण निराकार जो है इस पुरुष पुष्प के माध्यम से मुस्कुरा रहा है, इसलिए बुद्ध भी परमात्मा और पुष्प भी परमात्मा, एक परमात्मा दूसरे परमात्मा से आलिंगन कर लिए, मैंने तो यह देख लिया और इस पर हंस दिया। महाकश्यप कहा कि देख समझ लिया था। और दुखद घटना है, महाकश्यप के बाद 26 पीढ़ी तक भारत में उनका शिष्यत्व चला, 26वां जो हुआ था बोधिसत्व हुआ था, बोध धर्म हुआ था। बोध धर्म को एक शिष्य नहीं मिला, छत्तीसगढ़ भी घुमा था, मध्य प्रदेश घुमा था, दिल्ली चारों तरफ घुमा, एक शिष्य नहीं मिला। अंत में बोधिसत्व नाराज होकर के इधर मुंह नहीं करके दीवार के तरफ मुंह करके बोलने लगा, लोग कहे तो मैं किससे बोलूं, तुमसे तो अच्छा दीवार है, मैं दीवार से बोल रहा हूं, दीवार मेरी भाषा समझ रही है। बोधिसत्व जो है जब कोई शिष्य भारत में नहीं मिला तो चीन चला गया, और चीन में जब गया तो बोधिसत्व का नाम सुन करके चीन का राजा उसे स्वागत किया, बड़ा भीड़ लगी, और बोधिसत्व जीव आसन पर बैठा, दीवार की तरफ मुँह कर दिया।
फिर बड़ा गड़बड़ हुआ। राजा कहा कि अरे बोधिसत्व, तुम इतने बड़े भगवान बुद्ध के प्रवर्तक हो, बुद्ध के उत्तराधिकारी हो, हम लोगों की तरफ देखो ना। कहा कि असंभव, तुम सब मुर्दे हो। फिर मुर्दा आ गया, मैं मुर्दों को कैसे देखूं, मुर्दों से कैसे बात करूं, और तुम मुर्दों से तो अच्छा यह दीवाल है, इस दीवाल से मैं बात करूं, इस दीवाल से मैं कुछ कह रहा हूं, मुर्दे कुछ सुन ले तो सुन ले, अब मैं मुर्दों को समझाने में समर्थ नहीं हूं। बात चिन्ह में फैली, एक युवक आ ही गया, और युवक आया और बुद्ध वह बोल रहा था, कहा कि बोधिसत्व मुंह सामने करो, मैं आ गया। कहा कि मैं कैसे जानूं कि तू मुर्दा नहीं है, मुर्दे भी तो बोलते हैं। मुर्दे भी बोलते हैं, मुर्दे भी चलते हैं, मैं कैसे जानूं कि तू मुर्दा नहीं है। बोध वह युवक कहा, इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं, और तलवार निकाला, अपना बायां हाथ खट काट कर फेंक दिया। लो प्रमाण लो, यदि तुम मुंह नहीं इधर करता, दाहिना हाथ काट कर तुम्हारे सामने फेंक देता हूं, तो पर भी नहीं करेगा तो मैं अपना सर फेंक दूंगा तुम्हारे चरणों में, तब तो तुम विश्वास करेगा। लेकिन दाएं बायां हाथ काटते ही छलांग लगाया बोधिसत्व और उसे अंक में भर लिया। कहा कि तुम मेरा उत्तराधिकारी है, यह पुष्प तुम भी पकड़ ले। और वह अंक में भरते ही हगिंग थेरेपी चालू हो गई, और वह जो लड़का, वह जो है युवक, उस बुद्धत्व को प्राप्त कर गया। और वह 27वां गुरु हुआ, और 27वां गुरु से लेकर आज तक वह जैन संप्रदाय के रूप में व्याप्त हो गया है, वह जैन संप्रदाय के रूप में प्रकट हो गया है, और वह जो है चीन और जापान में ही रह गया है। तुम्हारे यहाँ कोई अभी तक शिष्य नहीं मिला, तुम अभी मुर्दा से ऊपर उठ नहीं रहे हो। बड़ी दुखद घटना है, बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं, बड़ी दुखद घटना है। अभी तक कोई मुर्दा, तुम मुर्दा अपन से उठ नहीं रहे हो, भारत से सदा के लिए विदा हो गया। बुद्ध ने कश्यप को बनाया, कश्यप से बोधिसत्व 26 तक आया, और 27वां जो है चीन में। तुम बड़े अपने को कहते हो आके हम धर्म गुरु हैं जगत के, यह भी तो कहना सीख लो कि हम मुर्दों के गुरु हैं। भारत ऐसी नगरी है जहाँ मुर्दों की भी पूजा होती है, और जो चले जाते हैं उनका हम लोग पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, यानी मुर्दों का करते हैं। स्वर विद्या, शंकर जी भी कहते हैं स्वर विद्या इस संसार में सर्वश्रेष्ठतम विद्या है। मैं बताया था, उन्होंने कहा है जैसे वेदों में ओंकार, ब्राह्मणों में सूर्य, उस तरह से इस विद्याओं में स्वर विद्या श्रेष्ठ है। और स्वर विदयी विद्या के इस जगत में पूजा होती है, जैसे कि आकाश मंडल में सूर्य की पूजा होती है। और तुम्हें उस स्वर विदय के साथ साथ जब दिव्यास्त्र दे दिया, देवास्त्र दे दिया, तो तुम देवताओं में भी श्रेष्ठ हो गया। यह तुमको यह जान लेना चाहिए कि तुम स्वर विद्या प्लस देवास्त्र और दिव्यास्त्र सुसज्जित हो गया, तुम देवताओं के लिए भी श्रेष्ठ हो गया। लेकिन बहुत लोगों के हाथ में रिवाल्वर पकड़ा दो, लेकिन उसे भान ही नहीं होगा कि इस रिवाल्वर पे छोड़ सकते हैं या नहीं, नहीं भान होता है ना। इसीलिए आइडियोलॉजी सबके पास नहीं रहती है। तुम धनी संपत्ति हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास आइडियोलॉजी नहीं है, विचार धारणा नहीं है। मैं आज भी इन लोगों को समझा रहा था, पहला पर क्लास लिया कि कॉन्शसनेस अबाउट योर बॉडी, शरीर के प्रति होश। आज था इन लोगों का विचार के प्रति होश, यही था ना। कल जो हमारा सब्जेक्ट है, इन लोगों का लोग लेते हैं, तुम लोग हिमालय में जो ले लिया है सो ले जानता ही है। और कल इन लोगों का जो है सब्जेक्ट दिया गया है अपने अनुभूतियों के प्रति होश, कंसर्न अबाउट कॉन्शसनेस अबाउट योर सेल्फ रियलाइजेशन। अनुभूतियाँ भी सत्य नहीं है, जब अनुभूतियों के प्रति होश हो जाएगा तब चौथा सब्जेक्ट अपने आप हो जाएगा, वह है आनंद। मस्ते।
मैं मस्त हुआ तब क्या बोले, वह चौथा बाई प्रोडक्ट है, लेकिन तीन के प्रति दो के प्रति होश तो करा दिया गया है, कल तीसरा होश देखते हैं, होश कर लेता है कि वह मुर्दा की चादर ओढ़कर भाग जाता है। दो ही ना होगी, या तो होश होकर चादर फेंक देगा या तो मुर्दा की चादर ओढ़कर कफन ओढ़कर भाग जाएगा, फिर रोड पर घूमेगा, फिर कोई पीडीएस बस की देख करके चिल्लाएगा मुर्दा। यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं होशी का दवा लेकर चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ और घूमते घूमते तुम्हारे तक पहुँच गया हूँ, तुम कब तक लेगा यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। एक आदमी जो थोड़ा बहुत जिसमें संभावना होती है वह थोड़े से में ही जग जाता है, जिसमें संभावना नहीं होती है बच्चे लाख पीटो नहीं समझेगा। जब से मैं सोच संभाला हूँ बहुत लोग साथ आए और गए, कुछ पाए कुछ नहीं पाए, नहीं बराबर क्या किया जा सकता है। देखो आइडियोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है, यदि तुम्हारे पास आइडियोलॉजी नहीं है कुछ भी दे दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल को मैं तुमको दे रहा हूँ, रावण बहुत बड़ा विद्वान था ना, और रावण से भी बहुत बड़े बलवान थे, विद्वान थे बिहार का सहस्त्रार्जुन। बिहार बड़ा आगे रहता हर काम में, यदि बुद्धत्व में आगे है तो सहस्त्रार्जुन ऐसे वीर में भी आगे है। ये लिख रहा है आचार्य सुनील जी, शायद बिहार का है क्या। देखो सहस्त्रार्जुन तो ऐसा था कि रावण को 6 महीना तक अपने अंक में कंख में बांधे रहते लेकर घूमते रहा, ये सुना है ना, 6 महीना कांख में लेकर घूमते रहा। अब समझो कितना बड़ा हुआ वीर था, और इसके बाद जब यह उठपुट बोलता तो उसे कान ही तेरी गर्म करके लेकर अपने रानियों के रनवास में खड़ा कर दिया, और 10 गो शीर था, 10 पर दीपक जला दिया। इसकी इतनी वीरता थी कि रानियों के महल में भी कुछ नहीं बोल पाया, औरतों को भी नहीं बोल पाया। उसी के बदला लेने के लिए सीता पर पड़ा था कि बिहार की औरतें बड़ी खिल्ली मनाई है, हमारे सिर पर जो है लाइट जलाई है, तुम बिहार की हो ना सीता जी, इसीलिए वो बदला लेने के लिए भागा था कि देखते हैं क्या करते हैं। अब समझ गया कहीं न कहीं। खैर मेरे कहने का मतलब यह है, सहस्त्रार्जुन वीर तो था और रावण को भी 6 महीना बंद रखा, लेकिन व्हाट अबाउट योर हिज आइडियोलॉजी, उसके पास आइडियोलॉजी नहीं है, थॉट्स नहीं है, चिंतन नहीं है, इसलिए विश्व का वह नवीनीकरण नहीं कर सका, उसकी वीरता धरी की धरी रह गई। जब तक से तुम्हारे पास आइडियोलॉजी नहीं है, दर्शन नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बड़े बड़े कथावाचक देखते हो, कादते हैं नाचते हैं कूदते हैं, हजारों हजार का सम्मोहन करते हैं, लाखों लाख कमाते हैं, लेकिन दे हैव नो एनी आइडियोलॉजी। उसी तरह से बाली भी बहुत वीर था और बाली भी इनको हराया था रावण को, वह भी बंद किया था अपने घर पर इनको, और तब संधि करा दिए थे, शस्त्राबाहु से भी संधि कराए इनके पुलस्त दादा पुलस्त, और बाली से भी पुलस्त सुलह कराए, उत्तम कुल पुलस्त करना आती, शिव बिरंच पूजे बहु भाती, लेकिन न रावण के पास आइडियोलॉजी था। उसी तरह से नहीं, हमारे परशुराम भी बहुत वीर थे, धुरंधर थे, उनके पास भी आइडियोलॉजी नहीं था, इसलिए भारत का कुछ कल्याण नहीं हुआ। आइडियोलॉजी विश्वामित्र ने रखा था और विश्वामित्र ने उस आइडियोलॉजी को, उस दर्शन को राम को दिया, और राम सहस्त्रबाहु इतना वीर नहीं होते हुए भी इस भारत में, इस पृथ्वी पर रामराज की स्थापना कर दिया। इस राम राज की स्थापना, सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे भवन्ति निरामया, यह जो है जब तुम्हारे सद्विप समाज का जो आइडियोलॉजी दिए हैं उस आइडियोलॉजी को लेकर चलेगा, तुम्हें सामर्थ्य सहस्त्रबाहु की मान ली के समान नहीं होगा, तुम्हें सामर्थ्य रावण के समान नहीं होगा, बाली के समान नहीं होगा, तो कभी तुम राम की तरह आदर्श होकर के इस पृथ्वी पर राम राज स्थापित कर सकता है, यह आइडियोलॉजी है। यह जब तक से तुम इस बात की गहिमाई को सुनो, तुमको सब विद्याओं को दे दिया जाए, लेकिन तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट हमारी आइडियोलॉजी के दब तक से समझ नहीं लगता है। अभी देखो सब महात्मा चिल्लाता है, सब पंथ पार्टी संप्रदाय के लोग भी चिल्लाता है, उसे पूछ लो कि लो देश का बागडोर दे दिया जाए, तुझे तुम्हारे पास क्या आइडियोलॉजी है। आचार्य सुनील जी कोई उत्तर है किसी के पास, क्या तुम्हारे पास दर्शन है, क्या कर लेगा, कुछ नहीं। इसलिए पहले आइडियोलॉजी स्थापित की जाती है। राम के जन्म के लेने के पहले बहुत बड़े पहली वह वाल्मीकि ने आइडियोलॉजी स्थापित कर दिया था राम राज के रूप में।
और राम के आने के बाद भी जब उनको दीक्षा दे दिया गया तब शादी हुई। शादी के 18 साल में, 10 साल बाद 28 वर्ष में उनका वनवास हुआ। 10 वर्ष यह हुआ दीक्षा देने के बाद, आइडियोलॉजी को ट्रेनिंग देने के बाद 10 साल, और 14 साल वनवास में उन्होंने अपनी जो है वनवास काल यानी यात्रा काल में वह जगह जगह अपने संगठन खड़ा किए। 24 वर्ष तो राम को लगा अपने संगठन खड़ा करने में। और इस राम राज्य की स्थापना तो 14 दिन में हो गई, 24 साल की दर्शन में। इसलिए सबसे बड़ी है अपनी आइडियोलॉजी की प्रचार, अपने दर्शन का प्रचार, अपने संगठन का प्रचार। इसलिए तुम्हें स्वर विद्या के द्वारा और यह देवास्त्र व्यास के द्वारा आगे बढ़ने के लिए मैं यह क्षेत्र तैयार कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। हालांकि यह सभी जानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं बात, वह भी सब लोग आ जाएगा दूरदर्शन में, टीवी में, सब लोग सुन लेंगे। लेकिन क्या करेगा, मुर्दा भी तो सुन ही लेता है, उसमें जीवंतता तो आएगी नहीं। जीवंतता तो आएगी ही तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे आइडियोलॉजी से, तुम्हारे थॉट से, तुम्हारे चिंतन से, तुम्हारे व्यवहार से आएगी। इसलिए अपना इसमें अपनी अपनी जो है विचारों को लेकर आगे बढ़ो। देखो, हमने कह रहा था कि मौन भगवान बुद्ध एक तुम लोग व्यवहारिक जीवन में भी दे देते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी चाहे तू व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, मौनता की कला नहीं समझेगा तो इसमें भी सफल नहीं होगा। अमेरिका का एक बहुत बड़ा व्यापारी फोर्ड है, उसका नाम सुना है? फोर्ड जब नया नया एराइज करने लगा तो वह अपना एक मैनेजर के लिए वैकेंसी निकाला, और कहा कि फलाना जगह आइए। उस जगह पर सब लोग गए, एक कमरा था, उस कमरे में सब लोग जाते थे, वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट भी नहीं बैठाया था। तुम इंटरव्यू में अपने बायोडाटा लेकर जाएगा, वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट भी नहीं पाएगा, बात करने वाला भी नहीं पाएगा, जाएगा घूम कर कहेगा हमको पागल बनाया, मूर्ख बनाया। सब लोग पागल मूर्ख कह करके लौट रहता है। एक व्यक्ति वहाँ बैठा था चुप, जो अपनी पूरा बायोडाटा लेकर गया था, और वह व्यक्ति जाकर वहाँ बैठा, प्रतिदिन वहाँ पर जाकर बैठ जाता था, सुबह 10 बजे जाता था और 5 बजे उठ कर चला आता था। एक हफ्ता तक वह चुप अपने बायोडाटा लेकर गया, मौन, और 10 बजे उठ कर चला, 10 बजे गया और 5 बजे तक होता है कार्य पीरियड ना, इसलिए चला आया, कुछ कमेंट नहीं किया। 7वां दिन फोर्ड बाहर निकला और कहा कि मैं फोर्ड हूँ। वह आदमी दौड़ करके अपना बायोडाटा देने लगा, कहा कि रखो अपनी बायोडाटा, तुम्हारी अपॉइंटमेंट, यह लो अपॉइंटमेंट लेटर, तुम हमारे मैनेजर पर बहाल कर दिया गया, बायोडाटा अपने रखे रहो, सर्टिफिकेट अपना रखे रहो, यह अपना लो अपॉइंटमेंट लेटर। देखो, आदमी पहचानने की कला होनी चाहिए। जो आदमी पहचान लेता है वह अपने कारोबार में भी सफल हो जाता है और अपने जीवन में भी सफल हो जाता है। जब तक तुम आदमी नहीं पहचानेगा किस आदमी को कैसा उत्तरदायित्व देगा, वह तो हरदम कहेगा तुम्हें भी कमी है, फेल हो जाएगा, फेल होने का कारण तुम पर डाल देगा। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का साहित्य आध्यात्म पथ पर चल रहे जनमानुष के लिए प्रकाश स्तंभ है, जिसके मार्गदर्शन में व्यक्ति स्वयं अपने दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों एवं चिंताओं से मुक्त हो सांसारिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु सद्गुरु टाइम्स मासिक आध्यात्मिक पत्रिका मंगवाएं और सफलतम जीवन जीने की कला सीखें। गुरुदेव के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी एवं अनमोल साहित्य को प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 0986888 6830।